Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about crowning fifth mechanism of labor. So इसके पिछले videos में हमने one, second, third, fourth हमने सारी mechanism of labors देखी है और उससे भी पहले पूरा जो लेबर चैप्टर है डेफिनेशन से लेके उसके मैनेजमेंट तक उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन किया हुआ है। तो ये सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अगर आपको रेफर करना है तो आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि क्राउनिंग कनेक्टिंग टॉपिक है इंटरनल रोटेशन के साथ, इसलिए क्राउनिंग समझने के लिए आपको इसके पिछली मैकेनिज्म्स जो है वो समझनी जरूरी है और उसकी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सो क्राउनिंग में क्या होता है, सो आफ्टर इंटरनल हेड रोटेशन फर्दर डिसेंट अकर्स अंटिल द सब ऑक्सीपुट लाइज अंडरनीथ द प्यूबिक आर्च, यानी कि जो फीमेल पेल्विस में जो प्यूबिक आर्च रहता है, जब तक फीटल हेड का सब ऑक्सीपुट वहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक डिसेंट जो है प्रोसेस कंटिन्यू रहती है और फिर उसके बाद वाली जो पोजिशन है उसे हम क्राउनिंग कहते हैं और हमेशा ये क्राउनिंग इंटरनल रोटेशन के बाद पाई जाती है। एट दिस स्टेज द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द हेड दैट इज बाइपराइटल डायामीटर स्ट्रेचेस द वल्वल आउटलेट विदाउट एनी रिसेशन ऑफ द हेड इवन आफ्टर द कॉन्ट्रेक्शन इज ओवर। सो जनरली क्या होता है, जब एंगेजमेंट से लेके क्राउनिंग फेज तक जब कॉन्ट्रेक्शन आता है तब फीटल हेड फॉरवर्ड मूव होता है पेल्विक कैविटी में और जैसे कॉन्ट्रेक्शन चला जाता है तब वो थोड़ा पुश बैक होता है, नॉट लाइक प्रीवियस स्टेज तक तो वो नहीं पहुंच पाता लेकिन थोड़ा बहुत वो बैक साइड पुश होता है। अगेन सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होती है। तो क्राउनिंग फेज में ऐसा नहीं होता, क्राउनिंग फेज में वो फॉरवर्ड मूव होता है और उसी पोजिशन में वो स्टेटिक रहता है। तो इस तरीके का जो इवेंट देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलती है, उसे हम क्राउनिंग ऑफ द हेड कहते हैं। तो क्राउनिंग ऑफ हेड होने के बाद हेड कुछ इस तरीके से नजर आता है। सो दिस ब्राउनिश पोर्शन इज आउटर वल्वल पोर्शन एंड दिस इज स्ट्रेच्ड वजाइनल आउटलेट। तो यहां से आप फीटल हेड को देख पा रहे हो, दिस इज प्यूबिक आर्च, दिस पर्टिकुलर एरिया। सो हियर समवेयर अराउंड हियर जो है वो प्यूबिक आर्च रहता है जब तक ये सब ऑक्सीपुट यानी कि ये जो पोर्शन है फीटल हेड में दैट इज ऑक्सीपुट से पीछे दैट इज सब ऑक्सीपुट, ये पोर्शन जब तक इस आर्च के नीचे एडजस्ट नहीं होता तब तक उसका डिसेंट कंटिन्यू रहता है और इसके बाद हम एक्सटर्नली हेड को इस तरीके से देख पाते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्राउनिंग ऑफ हेड एंड बाई पैराइटल डायमीटर जो वल्वल आउटलेट को स्ट्रेच करता है वो ये डायमीटर फ्रॉम वन पैराइटल बोन टू अनदर पैराइटल बोन, सो दिस इज बाई पैराइटल डायमीटर। एंड इस पर्टिकुलर फेज पे या स्टेज पे हम प्राइमरी पेशेंट में या रिजिड पेरिनियम में एपिजियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ से एपिजियोटॉमी जो है वो मीडियोलेटरल या मीडियल या लेटरल और जेशे इस तरीके से एपिजियोटॉमी कट लिया जाता है बेस्ड ऑन इंडिकेशन। सो क्राउनिंग फेज पे ही एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाती है, उसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। Thank you so much for listening. You can subscribe the channel. You can click the bell icon and you can share amongst your friends. Thank you so much.